डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, हमलावर हुई बीजेपी तो आपने भी दिया करारा जवाब। एक बात साबित हो गई कि सीबीआई के इतने बड़े छापेमारी के बाद 31 स्थान की, 22 स्थान की, 25 स्थान लंबे चौड़े छापेमारी की बाद भी, जिसका घंटों तक प्रचार किया गया कि बहुत बड़ा छापा पड़ गया है, सीबीआई अब तक कुछ नहीं बता पाई, सरकार अब तक कुछ नहीं बता पाई, मोदी जी की सरकार कुछ नहीं बता पाई कि क्या निकला इन छापों में, उन्हें क्या मिल गया, कहां से करोड़ों की बरामदगी हो गई, कहां से सोना मिल गया, कुछ उनको पता नहीं चल पाया। कि मुद्दा शराब नहीं है, मुद्दा अगर शराब नीति होती तो सबसे बड़ा छापा तो पड़ना चाहिए था गुजरात में, जहां जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए, जहां पे 10,000 करोड़ से ज्यादा जिस गुजरात में नकली शराब का धंधा होता है। देश के मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो सरकार जो बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराती है, जो माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा कराती है, जो निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य देती है, जो बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को 2-3 गुना पेंशन देती है, वो बेवड़ी सरकार है। ध्यान से सुनिएगा, शराब बेचकर किस राज्य में कितना राजस्व आता है, कितने धन की प्राप्ति होती है, उसका मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं, और आप अंदाजा लगाइए कि बेवड़ी सरकार कौन है। पहली बेवड़ी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, कितना राजस्व आता है शराब बेचकर, 21.8%। दूसरी बेवड़ी सरकार कर्नाटक की सरकार, कितना राजस्व आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पर, 20.6%। तीसरी बेवड़ी सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार, कितना राजस्व आता है मध्य प्रदेश में, 19.9% शराब बेच के। बेवड़ों की पूरी फौज खड़ी करते हो और दिल्ली की सरकार को बदनाम करते हो। और कल मैं भाजपाइयों की बौखलाहट देख रहा था, सारे के सारे भाजपा के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक हैरान थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का पूरा मामला। ये क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदीज राइज इन इंडिया। ये किस में छपा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कब, 2013 में। और 2019 में इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आर्टिकल लिखते हैं और उनके ट्रॉल, उनकी आईटी सेल की आर्मी, आपको याद होगा ये फर्जी फोटो चलाई थी उन्होंने, एक फर्जी फोटो चलाई कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कौन कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खंडन छापा कि नहीं नहीं साहब, हमने मोदी जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसा उनकी आर्मी चला रही है, आईटी सेल की फौज चला रही है।